छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन है वो? लकी है डैडी, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? बकवास है। भाषा भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे, चल फुट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ। उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या, अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा? आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए। वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेन आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओ माय गॉड, ये यहाँ, तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी, उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे,